से इस वक्त की बड़ी खबर, अधेड़ की हत्या के मामले में रविवार को परिजनों ने काटा हंगामा। मृतक रामपाल यादव के परिजनों के द्वारा जाम लगाने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। भारी फोर्स मौके पर पहुंचा। सूचना पर सीओ अमृतपुर रविन्द्रनाथ राय व सीओ सिटी प्रदीप सिंह मौके पर पहुंचे। आक्रोशित मृतक के परिजनों ने हत्यारोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने मृतक रामपाल यादव के परिजनों को समझा बुझाकर हत्या करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए एवं तनाव बढ़ता देख मौके पर एक कंपनी पीएसी बल भी बुलाया गया। मृतक अधेड़ की पुत्री ने लगाया घटना के एक दिन पहले आरोपी के घर में घुसकर गए थे, जान माल की धमकी देकर गए थे। ये आपको बता दे कि अधेड़ की पुत्री ने आरोप लगाया है। 2 घंटे नोकझोंक भी हुई थी और पुलिस अधिकारियों के समझाने पर परिजन शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं रवाना हुए। थाना कमालगंज क्षेत्र के कानपुर फरुखाबाद मार्ग पर शेखपुर गुमटी के पास का ये पूरा मामला है, जहां अधेड़ की हत्या को लेकर जमकर हंगामा काटा ग्रामीणों ने। और उसके बाद में हाँ, उसके भैंस ऐसे कुछ नहीं मिली, भैंस ऐसे कुछ नहीं मिली। उसके बाद दूसरे दिन रात में भैंस छोड़ के मेरे उधर में करके आए। तो क्या लगा आपके पिता की हत्या कर दी गई? हाँ, मेरे पिता की हत्या कर दी गई है, ये वो कह के गया था। पुलिस क्या कह रही है? हाँ, पुलिस कुछ नहीं कह रही है, पुलिस उसी के पक्ष में बोल रही है। मुकदमा वगैरह लिखा गया क्या? कुछ नहीं लिखा गया है, इसीलिए मेरे पिता बहुत गरीब है, कैसे मुझे पाला वो हम ही समझ सकते हैं। तो आप लोग क्या आज क्या लगा रहे हैं? जाम लगाने? जाम लगाएंगे हम, डेड बॉडी जब तक नहीं हटाएंगे जब तक मुझे उसे फांसी नहीं मिलनी चाहिए। आपकी क्या मांग है? फांसी मुझे चाहिए उसकी, जिसने मेरे पिताजी को मारा है। जब तक उसे फांसी नहीं होगी हम डेड बॉडी को आग नहीं लगाएंगे। आपको पता है किसने मारा? हाँ, मुझे मालूम है किसने। उसको नाम नहीं मालूम, शकल उसकी मालूम है। आएगा तो उसकी हम हत्या करेंगे। मेरा पिता कितने है, कैसे मुझे पाला कितने है? आरोपी है इसमें? इसमें 4-5 लोग है आरोपी। ठीक है, जिस आरोपी की कल एक पिटाई हुई थी वो भी आरोपी है, उसको एक ही को पकड़ा है।